हमेशा से ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विवादों में घिरी रहती है। रविवार के दिन जब सुबह हरियाणा के गांव कलसाना में लोगों की लंबी लाइन वोट डालने के लिए लगी हुई थी, तभी अचानक से सभी देर तक इंतजार करने लगे कि आखिर वोट डालने का उनका नंबर कब आएगा। तभी अंदर से एक खबर आती है कि वोटिंग मशीन खराब हो चुकी है, उसमें तकनीकी समस्या आ चुकी है। चिंता का विषय यह है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र में चुनाव के दिन अगर वोटिंग मशीन खराब हो जाए तो उस देश में सरकार और प्रशासन चुनावों को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे वोटिंग स्टार्ट हुई और 8:03 तक वीवीपैट बिल्कुल सही काम करती रही और उसके बाद मशीन में खराबी हो गई, जिसमें लिखा आ रहा था कि मशीन को बदलें। इस तरह से 7 बजे से 8:03 तक सही चली, परंतु अचानक 8:03 पर मशीन में एक मैसेज शो होने लगा कि वीवीपैट 1 को रिप्लेस किया जाए। उसके बाद हमने सेक्टर ऑफिसर जी को फ़ोन किया और वो आए। उसके बाद मशीन रिप्लेस की गई और जैसे ही चेक किया गया उसके बाद मशीन ओके थी और इलेक्शन दोबारा प्रोसीड करवाया गया 8:32 का समय। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से कलतार सिंह की रिपोर्ट।